हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन टेक आर्ट। तो आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हाउ टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ द पेंट ब्रश। बिगनर्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें किस तरह से जो है डिफरेंट पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं हम पेंटिंग में, वो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करने वाले हैं फ्लैट ब्रश। तो ये फ्लैट ब्रश होता है जो जिसके एजेस पूरे स्ट्रेट होते हैं, और मोस्टली इसका यूज़ होता है बैकग्राउंड पेंटिंग में, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं तो इसलिए जो है मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर कर सकता है। तो इसके लिए इससे हम जो है बैकग्राउंड पेंटिंग कर सकते हैं। और इसमें भी डिफरेंट साइज़ होते हैं और इसके एजेस पे डिपेंड होता है। लाइक हम इसके यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्लांटिंग लाइंस के लिए, और इस तरह से हम कर्व्स भी ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग फ्लैट ब्रश। नेक्स्ट हम इससे वन स्ट्रोक पेंटिंग भी कर सकते हैं, और इससे ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके सर्फेस एरिया जो है फ्लैट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ द पेंट ब्रश जो है वो है फिल्बर्ट ब्रश, जो कि वॉश ब्रश या फ्लैट ब्रश की तरह ही होता है, लेकिन इसके एजेस जो है बहुत राउंड होते हैं। तो इससे हम इजीली जो है वन स्ट्रोक पेंटिंग कर सकते हैं, और इस तरह से हम इससे जो है फ्लैट सरफेस भी पेंट कर सकते हैं, कर्व्स भी पेंट कर सकते हैं, राउंड सर्फेस भी पेंट कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे राउंड ब्रश, किस तरह से राउंड ब्रश का यूज़ करते हैं पेंटिंग में। जैसे कि आपको मालूम है, इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये राउंड शेप का होता है, तो इससे हम जो है किसी भी तरीके से जो है राउंड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व्ड एरियाज ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्री ड्रॉ करके बताती हूँ यूजिंग दिस टाइप ऑफ ब्रश। तो यहाँ पे मैंने जो है ट्री की ब्रांच बना लिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रांचेस इरेगुलर शेप की होती है, तो मैंने रैंडमली कैसे भी जो है ब्रांचेस ड्रॉ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रश जो है मल्टीपल यूज़ के लिए है। लाइक इससे मैं थिनर एरिया भी कवर कर सकती हूँ, लार्जर एरिया भी कवर कर सकती हूँ, और ये ब्रश जो है ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन इससे जो है हम डिटेल्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से जो है ट्री की ब्रांचेस जो है तैयार है, और इसको मैं किस तरह से जो है ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत इजीली अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड बहुत ही अमेजिंग ब्रश है, जिसे कहते हैं फैन ब्रश, जो कि फैन शेप में ही होता है और बहुत ही क्यूट होता है, और ये आपको यूज़ करने में बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्रश नॉर्मली लैंडस्केप ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, और ट्रीज़ को ड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। इस तरह से हम लीव्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका शेप ही इरेगुलर लाइक राउंड होता है, तो उससे हम जो है लीव्स बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे बस ब्रश को मूव करना है इरेगुलर डायरेक्शन में, तो इससे जो है ऑटोमेटिकली जो है ट्री की लीव्स जो है ड्रॉ हो रही है। फ्रेंड्स अगर आपने अब तक यूज़ नहीं किया इस ब्रश को, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान लगेगा ट्रीज़ ड्रॉ करने के लिए स्पेशली, और इस तरह से जो है ग्रासेस ड्रॉ करने के लिए भी बहुत आसान होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी ट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो गई है, और ये मैंने बहुत ही ईजीली किया है। तो बिगनर्स को मैं रियली सजेस्ट करूँगी कि ये ब्रश आप लोग यूज़ करिएगा लैंडस्केप ड्राइंग के लिए। अगेन मैं आपको इससे जो है ग्रासेस ड्रॉ करके भी बताती हूँ। तो ग्रासेस ड्रॉ करने के लिए तो मुझे ये ब्रश को जो है पेंट में डिप करके उसको अल्टरनेट डायरेक्शन में जो है लाइक उस पर स्प्रेड करना है, और इसको जो है मोस्टली जो है इस पर स्ट्रोक्स की तरह जो है यूज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है ग्रास ड्रॉ होते जाएंगे। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लैंडस्केप ड्रॉइंग। नेक्स्ट जो हम ब्रश यूज़ करने वाले हैं वो है पिन पॉइंट ब्रश, जिसे लाइनर ब्रश भी कहा जाता है या रिगर ब्रश भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा फाइन होता है, और ये जो है मोस्टली पेंटिंग में डिटेल्स ऐड करने के लिए यूज़ होता है, पेंटिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि डिटेलिंग ऐड करने से पेंटिंग और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो यहाँ पर जो है हम स्मॉलर सर्फेस एरिया कवर कर सकते हैं, स्मॉल लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स बनाया है, ब्रांचेस पे डिटेल्स ऐड किया है। तो ये ब्रश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए और डिटेल्स ऐड करने के लिए। लास्टली फ्रेंड्स हम जो
ब्रश देखेंगे वो है एंगल ब्रश। जैसे कि नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि इसका सर जो टिप है वो एंगल शेप में होता है, तो इससे हम कर्व्ड एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लैट सरफेस एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, अगेन हम वेव्स इससे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो है बहुत लार्जर सर्फेस एरिया स्मॉलर सर्फेस एरिया कवर करने के लिए बहुत ही आसानी से यूज़ हो सकता है, और इससे हम वन स्ट्रोक पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रश है और पेंटिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में मदद करता है। और हम जो है हम ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं और इससे हम डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके मल्टीपल यूजेस है और एक मस्ट है एक आर्टिस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? जैसे कि आपको मालूम है वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको इन फ्यूचर किस तरह के और वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।